गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में मंगलवार को अखिल भारतीय वैदिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में काशी विद्यापीठ के सेवानिवृत्त प्रोफेसर राममूर्ति चतुर्वेदी ने बताया कि ये सनातन धर्म के संवर्धक सभी तत्वों पर प्रकाश डालने वाली संगोष्ठी है। वेद अर्थ का अनुशील शास्त्रों द्वारा कैसे कैसे होता है, इस पर भारत के विभिन्न कोने से वेद के विद्वान आए हुए हैं, इस पर अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वेद भारत का प्राण है और वेद के द्वारा प्रतिपादित जो सनातन धर्म है वही सनातन धर्म है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म से मनुष्य का कल्याण हो सकता है, जिस पर चर्चा की जा रही है। कई उदाहरण को सुना है और हम सभी जानते भी हैं। इसके एक उदाहरण को स्थूल परिषद के स्थूल ये आठवें उदाहरण हो जाएगा। वहां पर गौरी को प्रकृति या पूर्व मदन से प्रतिस्पर्ध होकर के अंतोदात होगा। तब स्थूल शब्द परिषद धब्बों का विशेषण होगा, अर्थात मोटे धब्बों वाली अनंत वाली का यहाँ पर ग्रहण होगा। शांति इस अर्थ में है। अब संस्कृत वेद पाठ की जो जितनी पद्धतियां हैं उसमें दो पद्धतियां हैं प्रचलित है, एक कंठस्वर और एक है हस्त संचार। कंठस्वर से जब हम स्वरों को दर्शाते हैं तब हम स्वरों को ऊपर नीचे उदात्त अनुदात्त स्वरित को करके हम दिखाते हैं, और जब हम हस्त संचालन से दिखाते हैं तो इस प्रकार उदात्त अनुदात्त और स्वरित को इस प्रकार से हम दर्शाते हैं, जिसको हमें वेद पाठ के ब्राह्मणों के निरंतर संपर्क में रहने से उनसे सीखने से हमें यह संभव हो जाता है। यह जो उदात्त है इसको जब हम कंठस्वर से दर्शाते हैं तो जैसे एक मंत्र मैं आपको सुनाती हूँ, जैसे कि अग्निमे पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम् भूतारम् रत्नधातवम्। इस प्रकार से हमने स्वर को उदात्त अनुदात्त एवं स्वरित के माध्यम से हमने इसको दर्शाया है मंत्रों में, और यह हमारी बहुत बड़ी समृद्ध विरासत है हमारे भारतीय संस्कृति की, जिनको ऋषि मुनियों ने सस्वर विधि से आज तक वेद मंत्रों को सुरक्षित रखा है। और इनको जब हम वेद इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए काशी विद्यापीठ के सेवानिवृत्त प्रोफेसर राममूर्ति चतुर्वेदी ने कहा, सनातन धर्म के संवर्धक सभी तत्वों पर प्रकाश डालने वाली संगोष्ठी है। वेद के अर्थ का अनुशीलन शास्त्रों द्वारा कैसे कैसे होता है, इस पर जो है भारत के विभिन्न कोणों से विश्वविद्यालयों से वेद के विद्वान आए हुए हैं और उस पर अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। सर क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहते हैं कि वेद भारत का प्राण है और वेद के द्वारा प्रतिपादित जो धर्म है वही सनातन धर्म है। उसी सनातन धर्म से न केवल मनुष्य मात्र का अपितु संपूर्ण प्राणी मात्र का उपकार हो सकता है, इसी पर विचार मंथन चल रहा है। मेरा नाम प्रोफेसर राममूर्ति चतुर्वेदी, काशी विद्यापीठ वाराणसी से आया हूँ, इस समय सेवानिवृत्त आचार्य। मैं प्रोफेसर छाया रानी, पूर्व अध्यक्ष संस्कृत विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। आज यहाँ पर आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे रही हूँ यह कि यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा प्रायोजित वेदार्थ के अनुशीलन में शास्त्रों की प्रयोजनीयता विषय पर यहाँ पर संगोष्ठी आयोजित की जा रही है जो राष्ट्रीय है। और इसमें यह बताने का प्रयास शोधार्थियों द्वारा या बड़े बड़े विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है कि वेदार्थ के ज्ञान में सभी शास्त्रों की, आरण्यक की, उपनिषद की, वेदों की, पुराणों की क्या उपादेयता हो सकती है, जिसकी आज के हमें आज के युग में इसकी महती आवश्यकता है। और विश्वविद्यालयों में ऐसे संगोष्ठियों के माध्यम से यह प्रसार किया जाना आवश्यक है कि वेद में सभी कुछ उपलब्ध है जिनकी हमारे वर्तमान समाज को आवश्यकता है। और इस पर राष्ट्रीय स्तर पर भी ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर वेद की प्रयोजनीयता का विशेष आज के युग में कार्य चल रहा है। सभी को इसके ज्ञान
की आवश्यकता है। लोग इसको जाने, इसके अंदर समाहित रत्नों को आलोडित करें और उससे कुछ निष्कर्ष तक पहुंच सकें और सुख और समृद्धि का पूर्वक जीवन यापन कर सकें। इसकी